फ्रेंड्स, वेलकम टू आज़रा का जायका। तो आज हम आपको सिखाएंगे मुहर्रम का मलिदा बनाना। जो इमाम साहब का फातिहा होता है 9 तारीख को, तो उसका मलिदा पराठे से कैसे बनता है, सारे मेवे डाल के हम आपको बना के दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको, बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं इमाम साहब के फातिहा के लिए जो हम मलिदा बना रहे हैं उसमें लगने वाले सामान। तो देखिए, हमने ये 500 ग्राम बेसन मंगाया है और हमारा 1 किलो मैदा है, इसको हम छान लेंगे। और हमें 300 ग्राम आटा भी मिलाना है इसमें, और ये हमारी 300 ग्राम चीनी है। कम ज़्यादा मीठा हम अपने हिसाब से रखेंगे। और ये इलायची पाउडर है, इसको हमने ऊपर से भी डालना है और आटे के अंदर भी गूंथना है। और ये हमारा पोस्ता दाना, इसको हमने धुल के रोस्ट कर लिया है। ये हमारी चिरौंजी है 50 ग्राम, और हमारा काजू है ये, इसको भी हमने सबको धुल लिया है क्योंकि फातिहा कराना है हमें। ये हमारी किशमिश है, और हमने रिफाइंड ऑयल निकाल रखा है, इसी से हम अपने पराठे को तैयार करेंगे। तो चलें हम अपने आटे को गूंदने की तैयारी करते हैं। तो हम अपने बेसन को भी छान लेते हैं, इसी तरीके से मैदा है आटा है सबको छान लेंगे ताकि इसमें कुछ रहे ना। और फिर इसी के अंदर हम थोड़ी इलायची पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, हल्का नमकीन हो जाएगा आटा। फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे आटे को छान लिया अच्छे से। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, एक जैसा हो जाए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम इलायची पाउडर, अपने आधा इलायची पाउडर इसमें हम डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेते हैं और इसका अच्छा सा डो तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के पराठे बनाते हैं। इसके हम पेड़े बना के रख लेते हैं 2-4। हमने पेड़े बना लिए हैं, अब उसको हम बेल के अपना पराठा तैयार करते हैं। अच्छे से इसमें घी लगाइएगा, ज़रा सा भी कंजूसी नहीं, फातिहा न्यास का सामान है, अच्छा लज्जतदार बनाइएगा। देखिए, हमने भी कोई कंजूसी नहीं करी है, तो आप भी ना करें। इसको अच्छे से हम बेल लेते हैं, पराठा तो सभी को बेलने आता है, तो हम इसको बेलते हैं। फिर सेकते हुए आपको दिखाते हैं। हमने पराठे को बेल लिया है, तवे पे डालते हैं। एक तरफ से जब ये हो जाएगा तो इसको हम दूसरी तरफ से पलट के तेल लगाएंगे। तेल लगा लेते हैं और पलट देते हैं। अच्छे से हमें कुरकुरा सेकना है, अच्छे से तेल लगा के। एक तरफ से ये सिक गया है बिल्कुल अच्छे से, अब इसको पलट के भी हम सेक लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये बन के तैयार। इस तरीके से हम सारे पराठे को बना लेंगे, फिर इसको हम मलिदा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इनका चूरा बना लेते हैं अच्छा सा मलिदे के लिए। इसको हम छोटे टुकड़े करके मिक्सर के जार में डालते जाएंगे और इसी से हम इसका चूरा बनाएंगे, तो ये फटाफट से तैयार हो जाएगा। थोड़े थोड़े 3 पराठे करके हम इसमें तोड़ के डालेंगे और इसका हम चूरा बना लेंगे। तो चलिए इसको हम अपने को चूरा बना लेते हैं। बहुत अच्छे से इससे इजीली बन जाता है, आप भी बना के देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको एक बार ऐसे हिला के फिर से चला देना है और आपका मलिदा तैयार। देखिए ऐसा कितना अच्छा सा फाइन चूरा बिल्कुल बन गया है मलिदे का। इसी तरीके से हम सारे पराठे को पीस लेते हैं, इसमें चूरा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारा पूरा मलिदा जो है चूरा बन के तैयार हो गया पराठे का। अब इसमें हम सारे सामान को ऐड करते हैं। ये हमने लिया छोटी इलायची पाउडर, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये रहा हमारा पोस्ता दाना जो हमने रोस्ट किया था, आपको बताया था, इसको भी हम पूरा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। और ये हमारा करी का लच्छा है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा, आप इसको ज़रूर बनाएगा। और फातिहा का सामान है तो उसमें तो माशाल्लाह और ज़्यादा ही लज्जत आ जाती है। तो सबको हम ऐड कर लेते हैं। काजू को भी हमने ऐड कर लिया इसमें। ये हमारा चिरौंजी है, हमने सबको धुल लिया था, आपको बताया था, आप भी धुल के इस्तेमाल करें। और ये हमारा शक्कर है,
तीन पाव है हमारा। बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे घर में सबको पसंद है, इसलिए हम ज़्यादा बनाते हैं और मन्नत की वजह से हमें ज़्यादा बनाना भी पड़ता है, तो हमारे घर की मन्नत है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है ऊपर नीचे। फ्रेंड्स, हमारा मलिदा जो है रेडी हो गया है, तो ये ऐसे तो फातिहा होगा नहीं, तो इसके साथ हम दूध का शरबत भी बना लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे शक्कर, 3 चम्मच हम शक्कर डालते हैं इसमें। इसको अच्छे से हमें घोल लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच केवड़ा, इसमें थोड़ा पानी भी हम डालेंगे। इसको अच्छे से घोल लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई हमारी गरी और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम किशमिश, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारे मखाने के अलावा है, दाल मखाना है, इसको भी डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमारा फातिहा का शरबत और मलिदा रेडी है। आप इसी तरीके से बनाएं, फातिहा न्याज कराएं और हमें दुआ में याद रखें और इमाम साहब का फातिहा कराएं, उनके भी दुआ में साथ में हमें भी शामिल करें, याद करें। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, हमारे आने वाली अगली वीडियो भी आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।